हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। फिर से लेके आ चुका हूँ ऑफिशियल रिक्रूटमेंट ऑफ इंडियन पोस्ट की तरफ से। आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ इंडियन पोस्ट की तरफ से ग्रुप डी के किस तरह से रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, जिसमें अगर कोई कैंडिडेट इंटरेस्टेड है या एप्लीकेशन करना चाहते तो किस तरह से एप्लीकेशन कर सकते, क्या है प्रोसीजर, सब कुछ आप लोगों को दिखाऊँगा। तो यहाँ पर आप लोगों को एक एक करके जानकारी दूँगा, अगर कोई कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते तो किस तरह से एप्लीकेशन कर सकते हैं और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। पूरा वीडियो जो है लास्ट तक देखिएगा, अगर कोई कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। एप्लीकेशन करने के तरीका भी आपको बताऊँगा और एप्लीकेशन करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी और चाहिए आपको मैं बताऊँगा। और हर बार की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा लिंक जहाँ से आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों देख लेते आज किस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को। दोस्तों जैसे कि देख सकते हो मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर चुका हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसके अंदर क्लियरली मेंशन किया गया है कुछ पोस्ट की, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से अपडेट पब्लिश किया गया है, जिसके अंदर क्लियरली ये बात बताया गया है डिवीज़न वाइज रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, जिसमें आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। मेल मोटर सर्विस के अंदर फिर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जहाँ पे क्लियरली ये बात बता दिया जा रहा है 28 ऑफ वैकेंसीज है ग्रुप डी स्टाफ कार ड्राइवर के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे देख सकते हो वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, उसके बाद मोटर मैकेनिक के ऊपर थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, ड्राइविंग लाइट एंड हेवी मोटर व्हीकल के ऊपर एटलीस्ट के 1 ईयर की एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड 10th पास करने वाले यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते। तो ये था पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर कोई कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते तो आपको इन सारे क्राइटेरिया को आपको ध्यान में रखना होगा। एंड डिजायरेबल जो रखा गया वह है होम गार्ड या सिविल वॉलेंटियर में अगर कोई कैंडिडेट जॉब करते हैं तो वो लोग भी यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो था ऑफिशियली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अभी आपको एज क्राइटेरिया एंड सैलरी की बात करने वाला हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे 19,000 से 63,000 तक आपका सैलरी भी दिया जाएगा। एज लिमिट की अगर बात किया जाए 56 ईयर्स तक आप लोग मैक्सिमम यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। एंड यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए क्लियरली कुछ यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस की बात नहीं किया गया है, तो इसका मतलब है अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हो यू कैन अप्लाई विदाउट एनी एप्लीकेशन फ़ीस फ्रॉम यू फ्रॉम दिस पोस्ट। तो अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो यहाँ पे इस फॉर्म को भी फिलअप करना होगा, जहाँ पे आपका नाम, आपका पोस्टल एड्रेस, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन सब कुछ देके इस फॉर्म को फिलअप करना होगा एंड देन आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। इस पोस्ट के अंदर मेल फीमेल बोथ कैंडिडेट का एप्लीकेशन कर सकते हैं और एक बहुत बड़ी वैकेंसी निकल के आया है अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया लिंक के ऊपर क्लिक करके अभी के अभी डाउनलोड कर सकते हो। ऑफलाइन में एप्लीकेशन करने के लिए ऑफलाइन के फॉर्म के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपको सबमिट करना होगा, जैसे कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ लेके आपको एप्लीकेशन करना होगा। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो, अगर आप लोगों को पसंद आया लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर और भी कुछ जानकारी चाहिए डेफिनेटली कमेंट कीजिएगा, मैं उस कमेंट का रिप्लाई जल्द देने वाला हूँ। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।